As you all know, beta, in our last classes, as you all know, in our last classes, we have finished our indefinite integrals. Okay. And now in this class, we have studied about the indefinite integrals and discussed few methods of finding them, including methods of some special functions. In this section, we shall study what is called definite integral of the function. It is definite integral of function. Kya hota hai? Iske baare mein hum baat karenge. डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, डिफाइनाइट इंटीग्रल्स क्या होता है बेटा? इसमें आपका जो आंसर होता है क्वेश्चन का, इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा, वो एक डिफाइनाइट आंसर होगा, एक फिक्स आंसर होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आपको आंसर के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है? और सबसे अलग इसमें ये है कि आपने जो इंडिफाइनाइट इंटीग्रल्स को जो सॉल्व किया था, उसमें आपने जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एड किया हुआ है, वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर एड नहीं करना है. यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो एक डिफाइनाइट फॉर्म में मिलेगा. Okay, the definite integral has a unique value. We can say the definite integral has a unique value, and a definite integral is denoted by जो आपका definite integral होता है वो बेटा इस तरीके से denoted होता है, from a to b. These are called the limits. ये जो limits होती है, इन्हीं की वजह से आपको constant of integration add नहीं करना पड़ेगा. आपका जो function होगा, जब आप उसको integrate करोगे, then you have to apply these limits, then you have to the answer is unique. Then the answer is a constant. So, इसमें इस तरीके से आपका let f of x be a continuous function. This function आपको ये वो function दिया हुआ है and you have to integrate with respect to x. तो ये जो limits आप apply करोगे, integration बेटा आपको आपका जो आपका आपने indefinite integrals को करने में जो आपने methods, जितने भी methods है, substitution था, partial fraction है, integration by parts है, जो भी methods आपने use किए हैं, वो methods integration को करने का तरीका same रहेगा. सपोज करिए कि आपने f of x को इंटीग्रेशन किया और आपका इंटीग्रेशन करने के बाद में फंक्शन इस फॉर्म में आ गया. देन आप अभी तक जो करते थे, आपका जो फंक्शन होता था, आप उसमें प्लस c करके आंसर को छोड़ देते थे. बट आप डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर बेटा क्या करोगे, ये जो आपका रिजल्ट आएगा, आंसर जो निकल के आएगा, उसमें बेटा आप ये लिमिट्स अप्लाई करोगे इस तरीके से. तो बेटा ये जो a होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट. एंड ये जो बी होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. दिस इज अपर लिमिट. ओके, तो ये किस तरीके से बेटा लिमिट अप्लाई होंगी? आपको ये जो एक्स की वैल्यू है, जो फंक्शन इन द टर्म ऑफ एक्स है, एक्स के प्लेस में आपको एक बार अपर लिमिट को प्लेस करना है एंड एक बार आपको लोअर लिमिट को प्लेस करना है, और दोनों लिमिट्स के बीच में आपको डिफरेंस यूज करना है. यानी कि यहाँ पे जब आप एक्स के प्लेस में बी पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ बी माइनस, जब आप लिमिट चेंज करेंगे बेटा, लोअर लिमिट को पुट करोगे, देन आपको माइनस उनके डिफरेंस उनके बीच में लेना है, देन ये हो जाएगा f of a. तो यहां से जो रिजल्ट आपको मिलेगा, वही आपके इंटीग्रेशन का आंसर होगा. एक कांस्टेंट वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये होता है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल. डिफाइनाइट इंटीग्रल क्या होता है? डिफाइनाइट इंटीग्रल में हमें एक डिफाइनाइट वैल्यू मिलती है, जिसको डिफाइनाइट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है. दिस इज रीड एज द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ fx dx इज इक्वल टू f of x from a to b, right? This f of x में आपने अपर लिमिट b को पुट करना है x के प्लेस में, माइनस आपको x के प्लेस में a को पुट करना है, देन आपका f of b माइनस f of a के फॉर्म में जो रिजल्ट आएगा,
दैट इज द आंसर ऑफ द डिफाइनाइट इंटीग्रल। दूसरी बात बेटा एक ये होती है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डिफाइनाइट इंटीग्रल का जो रिप्रेजेंटेशन है इसके बारे में हम क्या करते हैं, इस पर बेटा हम एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं। डिफाइनाइट इंटीग्रल इज एरिया अंडर द कर्व, यानी कि सपोज करिए कि आपका इस तरीके से बेटा ये कोई आपको कर्व दिया हुआ है, लेट दिस इज द कर्व और इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है y इक्वल टू f ऑफ x, राइट, y इक्वल टू f ऑफ x इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। इसकी जो कर्व की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में दी हुई है और इसको एक आपने किसी क्लोज इंटरवल a टू b में आपको फाइंड करना है। फ्रॉम a टू b में आपने इस फंक्शन का, फ्रॉम a टू b में आपको इस फंक्शन को इस तरीके से इसके अंडर का जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, तो ये जो डिफाइनाइट इंटीग्रल होता है बेटा ये आपको ये जो एरिया अंडर द कर्व निकाल के देगा। ओके, इस तरीके से ये कर्व के अंडर अंडर में एक्स एक्सिस और ए क्लोज ब्रैकेट में ए और बी के बीच में ये जितना भी जो ये एरिया है, ये एरिया आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल का आंसर रिप्रेजेंट करेगा इस तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफाइनाइट इंटीग्रल है, डिफाइनाइट इंटीग्रल इज टॉक अबाउट द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन द क्लोज ब्रैकेट ए टू बी, दिस ए इज कॉल्ड द लोअर लिमिट एंड दिस बी इज कॉल्ड द अपर लिमिट। इस तरीके से ये आपका लोअर लिमिट होता है, इसी एरिया अंडर द कर्व को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लेट ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये इस तरीके से ओपन होगा, देन हम इस तरीके से लिमिट अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे एक्स की वैल्यू बी, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करने के लिए बीच में आपको माइनस लेना है, उसके बाद में एक्स की वैल्यू आपको ए पुट करनी है और इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एड नहीं करना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, यू ऑल टेकन द स्क्रीनशॉट, उसके आफ्टर में बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। बेटा ये इसके इस डिफाइनाइट इंटीग्रल को करने की एक ही मेथड आपको यूज करनी है, यहाँ पर एक होता है एरिया बाय द लिमिट लिमिट ऑफ सम सम ऑफ द लिमिट्स, यानी कि ये जो एरिया हमको फाइंड करना होता है इसके लिए हम बहुत सारी स्ट्रिप्स इसमें डाल देते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स, सो मेनी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स इसमें डाल देते हैं, तो उन लिमिट्स उन ये जो स्ट्रिप डाली जाएंगी dx width की स्ट्रिप डाली जाएंगी, ये width से आपने ऐड करके इसका लिमिट सम से इसका एरिया फाइंड करते हैं। वो टॉपिक आपका एक्सरसाइज 7.8 आपके सिलेबस में से लास्ट ईयर रिड्यूस कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 7.9 की बात करेंगे। 7.9 में आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से है, लिमिट फ्रॉम a टू b fx dx वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्सरसाइज 7.9 में है। तो आपको 7.9 एक्सरसाइज को अपनी बुक में से ओपन कर लेना है, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। कैलकुलस की जो फंडामेंटल थ्योरम है इसमें दिया हुआ है, थ्योरम में लेट एफ बी द कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल फ्रॉम ए टू बी एंड एफ बी एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, देन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ए टू बी, सेम यही वाली थ्योरम आपको 7.9 के प्रिंसिपल में दे रखी है और इस तरीके से आपको इसे करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं और करने का तरीका आपका सेम है, अब तक जो आपने इसमें इंटीग्रेशन किया है सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करना है, बस लास्ट में आपको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एड करने के प्लेस में आपको लिमिट्स को अप्लाई करना है। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.9 से क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, लिमिट माइनस 1 से 1, ओके एक्स प्लस 1 डीएक्स। देखो बेटा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर हम जो बात करते हैं वो एरिया अंडर द कर्व की करते हैं। ओके, एरिया अंडर द कर्व का मतलब है कि एरिया कभी भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए इसका जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस वर्क करता है वो मॉड्यूलस के अंदर वर्क करता है, क्योंकि एरिया की बात हो रही है और एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारा हमारा आंसर कभी नेगेटिव हमको नहीं छोड़ना है, मॉड्यूलस की वजह से हम उसको पॉजिटिव फॉर्म में आंसर को प्ले करेंगे। देखिए एक्स प्लस वन का डीएक्स आप किस तरीके से करेंगे बेटा, देखिए एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे दोनों टर्म्स को, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, देन एक्स का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे माइनस वन से वन एक्स डीएक्स, प्लस उसके आफ्टर में वन का इंटीग्रेशन आप अलग करेंगे बेटा, इस तरीके से मैंने इनको सेपरेट कर दिया, दोनों टर्म्स को अलग अलग सेपरेट किया हुआ है। अब आप इसको किस तरीके से ओपन करेंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, तो इस ये फंक्शन इसका एंटी डेरिवेटिव इस तरीके से ये हो गया, अब इसमें लिमिट अप्लाई कर दो माइनस वन से वन, प्लस उसके आफ्टर में बेटा वन का इंटीग्रेशन होता है x, और x में लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस वन से वन,
तो देखिए इसमें आप लिमिट अप्लाई करोगे, एक्स की प्लेस में आपको वैल्यू रखनी है, तो ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है टू, आप चाहे तो इसको कॉन्स्टेंट भी ले, आपको कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एज इट इज यही के यही पे भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लिया और अंदर आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू में लिमिट जो रखनी है वो एक्स के प्लेस पे रखनी है, इसलिए कॉन्स्टेंट वैल्यू को आप कॉमन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करिए, एक्स के प्लेस में आप सबसे पहले 1 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद में लोअर लिमिट लेने के लिए आपको माइनस लेना है, और फिर एक्स के प्लेस में आपको -1 रखना है, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। देन अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको यहाँ पर इसमें एक्स के प्लेस पे 1 रखना है, देन 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, उसके आफ्टर में फिर एक्स के प्लेस पे आपको -1 रखना है, देन -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 1+1, दिस इज 1/2 एंड 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटा 0 आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 0, एंड 0 प्लस 2 आप जब करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2, यानी कि x प्लस 1 का जो भी स्ट्रेट लाइन होगा उस स्ट्रेट लाइन को -1 to 1 के बीच में अगर आप उसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करोगे तो उसका एरिया जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 2 होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिफाइनाइट इंटीग्रल के अंदर जो आंसर होता है वो एक कांस्टेंट फॉर्म में होगा, उसमें कोई भी सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट में आंसर निकल के आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 2। नाउ यू ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, सी ऑल द क्वेश्चंस आर सेम, एक्सरसाइज 7.9 के ऑल द क्वेश्चंस आर सेम बेटा, इनमें सभी क्वेश्चंस में आपने इंटीग्रेशन करने का तरीका आपने पहले सीख रखा है, इंटीग्रेशन को एज इट इज ऐसे ही करना है, उसके आफ्टर में लास्ट में आपको लिमिट अप्लाई करना सीखना है। तो इसका जो क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड है ये आप लोग सेल्फ करिए, क्वेश्चन फोर्थ में आपको करा रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 7.9। बेटा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन फोर में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, दिस इज sin 2x dx, यानी बेटा ये sin 2x का कोई भी कर्व है, इसको हमें 0 to π/2 के बीच में, dx का मतलब क्या है, dx का मतलब है कि x एक्सिस, इस तरीके से सपोज करिए आपका ये कोई sin x का कर्व है, राइट, ये आपका 0 से आपको π/2 में इसको फाइंड करना है इस तरीके से, तो 0 से π/2 में बेटा आप सपोज करिए कि आपको इस तरीके से आपका ये इनक्लोज हो जाएगा। अब यहां पर ये जो फंक्शन है, ओके, इसको समझने की कोशिश करें, ये जो फंक्शन है आपको इस एरिया को फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, ओके। तो अब यहां पर हम इसको ये इनक्लोज कैसे हो रहा है, ये वाला इनक्लोज कैसे हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के थ्रू ही तो इनक्लोज हो रहा है, तो इसलिए हम इस पर dx width की एक स्ट्रिप डालेंगे और तब इसको dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 to π/2, तब जाकर के ये क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका लिमिट सम के अंदर है, या फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व की। यहाँ पर आप नॉर्मली आपने जैसे इंटीग्रेशन करना है उस तरीके से सीखना है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन 2x का इंटीग्रेशन आपका cos 2x / 2 होता है बेटा, माइनस कॉस एक्स होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव अगेन करेंगे डिवाइड में तो आपका 2 आएगा। इस पर आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 to π/2, यहां से बेटा माइनस का 1/2 आप कांस्टेंट करेंगे, जबकि मैंने बताया था कि कांस्टेंट वैल्यू को कॉमन करना है, अंदर आपका बचेगा कॉस 2x, इस पर आप 0 to π/2 लिमिट अप्लाई करिए, ये आपका -1/2, इसमें ये हो जाएगा कॉस 2 × x के प्लेस में आपको π/2 रखना है माइनस, उसके बाद में आएगा कॉस 2 × 0, दैट इज कॉस 0, ये बेटा 2 से 2 कैंसिल होगा, -1/2 कॉस पाई, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है 1 होती है बेटा, कॉस पाई की वैल्यू -1 आ जाएगी, इधर माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ओके। देन इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 × -2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू ऑल टेकन द स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ क्वेश्चन जो 5th है वो भी सेम है, इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन 5th को भी करना है।
देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, आप एज इट इज इसी तरीके से करिए क्वेश्चन फाइव. नाउ द क्वेश्चन सिक्स, नाउ द सिक्स क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल. क्वेश्चन सेवन इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्वेश्चन एट, क्वेश्चन नाइन देखिए, क्वेश्चन नाइन, क्वेश्चन नाइन दिया हुआ है, यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो टू वन एंड dx, dx by root वन माइनस एक्स स्क्वायर. आपको बेटा ये देखना है ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, dx अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका एंटी डेरिवेटिव है. आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करते हैं तो वन बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है. साइन इनवर्स x में आपको जीरो टू वन लिमिट अप्लाई करना है, यानी कि आपको सबसे पहले x के प्लेस में वन को पुट करना है, माइनस फिर x के प्लेस में जीरो को पुट करना है. तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस साइन इनवर्स जीरो. तो बेटा साइन, साइन के टेबल में साइन की जो वैल्यू होती है, साइन में आपका वन, साइन के टेबल में जो वन होता है वो आपका साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है माइनस, और जो साइन के टेबल में जो जीरो होता है बेटा वो आपकी साइन जीरो की वैल्यू होती है. तो आपने साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा पाई बाई टू माइनस जीरो इज इक्वल टू पाई बाई टू. आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा पाई बाई टू इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ टेकन द स्क्रीन शॉट ऑफ एवरी वन. इसी तरीके से आपको इंट्रीगेट करना है, और इंट्रीगेट करने का तरीका आपका सेम है. उसके आफ्टर में आपको लिमिट्स को अप्लाई करना है बेटा. लिमिट्स अप्लाई करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू प्लेस करनी है. ओके 14, ओके बेटा क्वेश्चन 14 देखिए, वेरी गुड बेटा. क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, दिस इज 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5x² + 1 dx. इसको बेटा आपको इंटीग्रेशन करना है. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं. आपने इस टाइप का इंटीग्रेशन किया हुआ है, ये आपका लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है. या तो आपने वो वाला कॉन्सेप्ट करना है, अप्लाई 2x + 3 इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस बी, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यू कैन टेक द इंटीग्रेशन. या फिर बेटा आप क्या करेंगे, इसको आप सेपरेट कर लो, 2x के डिवाइड में अलग कर लीजिए, 3 के डिवाइड में अलग कर लीजिए. तो ये हो जाएगा फ्रॉम 0 टू 1, दिस इज 2x / 5x² + 1 dx, आपने अलग सेपरेट कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 बेटा 3 के डिवाइड में आपने इसको अलग सॉल्व कर दिया. ठीक है, उसके आफ्टर में आप क्या करेंगे, यहां देखिए बेटा, अब इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे. देखो पहले तो यहां से आपका ये जो 2 है, 2 को आप कॉमन करोगे, ये हो जाएगा 0 टू 1 x अपॉन दिस इज 5x² + 1 dx, प्लस यहां से बेटा 3 को कॉमन करिए, ये हो जाएगा 0 टू 1 1 अपॉन 5x² + 1 dx. ओके आपको क्या करना है, यहां से आपको इसको इस वाले फंक्शन को i1 मान लेना है, इसको i2 मान लेना है, और i1 को सेपरेट इंटीग्रेट करना है, i2 को सेपरेट इंटीग्रेट करना है. ओके तो इसको i1 को इसको लेट कर लो, ये आपका i1 है, और इसको आप लेट करिए लेट, ये आपका i2 है. तो i1 का इंटीग्रेशन अलग सॉल्व करिए, i2 का इंटीग्रेशन अलग. तो यहां पर i1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट i1 इज इक्वल टू 0 टू 1 x अपॉन 5x² + 1 dx, ये आपका i1 की वैल्यू है. इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, आपका ये जो डिवाइड में दे रखा है डिनोमिनेटर 5x² + 1, इसको आप बेटा t मान लो, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 10x dx इज इक्वल टू dt. यहां से बेटा आपकी x dx की वैल्यू आएगी dt बाई 10, यहां से x dx की वैल्यू निकल के आएगी dt बाई 10, और उसके आफ्टर में आप यहां पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई 10 आपका कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 x dx आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेटा dt में, और डिवाइड वाले फंक्शन को आपने लेट किया हुआ है t, तो ये हो जाएगा dt बाई t, और 1 अपॉन 10 1 बाई dt बाई t बेटा होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ log, log t मॉड के अंदर. तो log t इस पे आपको लिमिट अप्लाई करना है 0 से 1. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो लिमिट्स आपको दे रखी है ये x के लिए है बेटा, x एक्सिस के लिए ये लिमिट है. आपने वेरिएबल इमेजिनरी वेरिएबल t को इसमें एडजस्ट किया है, तो आपको लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करनी है जब तक क्वेश्चन आपका x के फॉर्म में नहीं आ जाएगा.
तो यहाँ पर इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमको टी को रिप्लेस करना होगा जो भी आपने वैल्यू ली हुई है, यानी टी की वैल्यू आपने लेट करी हुई है 5x² + 1, तो यहाँ पर 5x² + 1 पुट करेंगे और इसमें आपको लिमिट रखनी है 0, 0 to 1। ओके, 0 to 1 का लिमिट आपको इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है, देखो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ अभी इसका रिमेनिंग पार्ट। ये आपका हो जाएगा 1/10 log, बेटा इसमें x की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार इसमें आप 0 पुट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन ये हो जाएगा 5 + 1 दैट इज 6, यानी log 6 माइनस, उसके आफ्टर में बेटा इसमें आप जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका log 1। ओके, ये आएगा और बेटा 1/10 log 6, ये log 1 की वैल्यू बेटा आपकी 0 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू हमेशा आपको 0 लेनी है, तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट आएगा वो 1/10 log 6 आएगा। तो i1 की वैल्यू आपकी 1 ये निकल के आ जाएगी 1/10 log 6। उसके आफ्टर में बेटा आपको i2 को सॉल्व करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑल द स्टूडेंट टेक द स्क्रीनशॉट, मैं इसको यहाँ से रफ करूंगा, उसके आफ्टर में आपको ये i2 की वैल्यू निकाल के बताई जाएगी। देखिए i2 की बेटा जो वैल्यू है वो 0 to 1 1/5x² + 1 dx है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से इस 5 को कॉमन लेना है, ये हो जाएगा आपका 1 0 1/5 हो जाएगा बेटा कॉमन, क्योंकि डिनोमिनेटर में से आप कॉमन लेंगे तो 1/5 के फॉर्म में कॉमन आएगा, ये हो जाएगा 1/x² + 1/5। इसको हम 1/√5 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1/√5 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो बेटा आपका 1/5 आएगा। यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे 1/x² + a² की आइडेंटिटी, 1/x² + a² होता है बेटा आपका 1/a, यानी 1 के अपॉन में 1/√5 लेंगे तो ये √5 आएगा, 1/a tan inverse x/a, यानी x के अपॉन में आपका 1/√5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √5x। इसमें बेटा आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, तो ये आपका हो जाएगा √5 upon 5। इसमें आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा tan inverse √5, और बेटा इसमें अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो tan 0 पे वैल्यू 0 होती है, इसलिए वो वाली वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये रिजल्ट निकल के आएगा आपका i2 का, दिस इज द वैल्यू ऑफ i2। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन दिस इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा ये था आपका 2, i1 का इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया था, i1 का इंटीग्रेशन आया था 1/10 log 6, उसके आफ्टर में +3 इंटू i2 का इंटीग्रेशन बेटा आपका ये आया है, दिस इज √5 upon 5 tan inverse √5। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो ये हो जाएगा 1/5 log 6 प्लस दिस इज 3√5 upon 5 tan inverse √5, दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट नाउ, क्वेश्चन 14 इज ओवर, 1/5 log 6 प्लस 3√5 upon 5 tan inverse √5, ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा, जिसमें मैंने i1 और i2 दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसको रफ कर देते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 बेटा हो चुका है। इंटीग्रेशन करने का तरीका सेम है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया है, आपको अपना सेल्फ वर्क करना है और लिमिट्स को अप्लाई कैसे करना है उसको यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन 14 के बाद में क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, 19, कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन 16 क्वेश्चन देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज आपको सेल्फ इंटीग्रेट करनी है, लिमिट्स किस तरीके से अप्लाई करना है वो यहाँ पे सीखना है। क्वेश्चन 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.9 बेटा, इसमें आपको दिया हुआ है लिमिट 1 से लेकर के 2, फ्रॉम 1 टू 2 लिमिट दी हुई है, एंड द न्यूमरेटर इज 5x² डिवाइडेड बाई, दिस इज x² + 4x + 3, x² + 4x + 3। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन करने का तरीका जो है वो आपका जो प्रीवियस मेथड है, उन्हीं मेथड्स में से कोई ना कोई एक मेथड आपको इसमें अप्लाई करनी है, एनी वन ऑफ द प्रीवियस मेथड यू हैव टू यूज हियर, बट आपको लिमिट अप्लाई कैसे करना है वो लास्ट का काम है। ओके,
देन अब यहाँ पे देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। जब बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट होगा तो आपको क्या करना है, सब पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। ये इसका डिवाइड इसमें कंप्लीटली जा सकता है। आप चाहे तो यहाँ से बेटा 5 को कॉमन भी ले सकते हैं, या फिर 5 को कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसमें डिवाइड दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का डिवाइड देंगे आप 5x स्क्वायर में। ओके, ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो एक्स स्क्वायर का बेटा इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम डिवाइड जाएगा, 5 ये हो जाएगा आपका। दिस इज 5x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15। इसके साइन चेंज करेंगे बेटा तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 15। तो इस मिक्स इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में जब आप बेटा नोट करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि जो आपका क्वोशेंट होता है वो बेटा आपका राइट में आएगा, जो आपका रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, और जिस जो आपका डिवाइजर है वो आपका डिविडेंड में आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इंटीग्रेट होगा फ्रॉम 1 से 2। तो इसको सबसे पहले तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पर एलजेब्रिक 2 पार्ट्स दे रखे हैं। ये हो जाएगा 1 to 2 5dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 दिस इज 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट बेटा, इसको आप i1 लेट कर सकते हैं। लेट i1, i1 इज द फर्स्ट टर्म एंड लेट दिस टर्म एज i2। तो i1 और i2 इस तरीके से आप लेट कर सकते हैं। अब बेटा आपको i1 को सॉल्व करना है सबसे पहले। लेट i1 इज व्हाट, i1 इज 1 to 2 5dx। आप अच्छे तरीके से जानते हैं यहाँ से 5 कॉमन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा। x में बेटा आपको लिमिट अप्लाई करनी है 1 और 2। तो ये x के प्लेस में आप 2 रखिए, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट करना है, दिस इज 2 माइनस, उसके बाद में लोअर लिमिट को x के प्लेस में पुट करना है तो 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, 1 इंटू 5 करने पर आपके i1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 5। उसके बाद में आपको i2 को सॉल्व करना है। लेट i2, i2 इज व्हाट, i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 दिस इज 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। बेटा अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ऊपर से 5 कॉमन लेना है, ये हो जाएगा 1 टू 2, ये हो जाएगा दिस इज 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका 7.4 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपका लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो आपको इस लीनियर फॉर्म को ऐसे ब्रेक करना है जिससे कि ये इसके डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए। इसको लेट करने पर ये इसका डेरिवेटिव आ जाए, तो आपको न्यूमिरेटर को एक्सप्रेस करना है। तो आप क्या करेंगे, लेट 4x plus 3 is expressed as a d upon dx of the quadratic form। ये root में है या without root में उससे कोई इसमें change नहीं आएगा। आपको इसको express करने के लिए इसके help लेनी है इस तरीके से, linear is equal to a d upon dx of the quadratic form plus b। इसको बेटा आप solve करिए, ये हो जाएगा 4x plus 3 is equal to a, इसका derivative आएगा बेटा 2x plus 4 प्लस बी। यहां से बेटा आप ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2ax प्लस 4a प्लस बी, इधर दे रखा है दिस इज 4x प्लस 3। नाउ यू कैन कॉम्पेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म। तो बेटा x का जो कोफिशियंट है ये हो जाएगा 2a, और इधर x का कोफिशियंट है 4, तो यहां से आपके a की वैल्यू निकल के आएगी 2। और अगर आप कॉन्स्टेंट वैल्यू की कंपेयरिंग करेंगे दैट इज 4a प्लस b, इधर साइड में आपको कॉन्स्टेंट दे रखा है 3, आप इसमें a की वैल्यू 2 पुट करिए, हो जाएगा 8 प्लस b इज इक्वल टू 3। देन बेटा b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 माइनस 8 दिस इज माइनस 5, b की वैल्यू माइनस 5 निकल के आएगी। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान सकते हैं। अब आपको पुट करना है इक्वेशन, पुट a एंड b इन इक्वेशन सेकंड,
आपको इक्वेशन सेकंड में वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आफ्टर में मैं यहाँ पे इसको कराता हूँ आपको, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल, देखिए बेटा इस तरीके से ये ए और बी की वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो आपका 4x प्लस 3x प्लस हो जाएगा बेटा ए, ए इज इक्वल टू 2, इधर आएगा 2, उसके बाद में ब्रैकेट में d अपॉन dx आएगा इसका, इसका d अपॉन dx क्या है, इसका d अपॉन dx है 2x प्लस 4 प्लस b, b की वैल्यू आपकी माइनस 5 है तो आप यहाँ पे माइनस 5 पुट कर सकते हैं, यानी 4x प्लस 3 का जो आपका कॉन्सेप्ट था उसको आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके i2 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2, 4x प्लस 3 को इस तरीके से एक्सप्रेस कर दो तो ये आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट 2x प्लस 4, 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 4 माइनस 5 के डिवाइड में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब बेटा आपको क्या करना है, अब आपको इसको दोबारा से सेपरेट करना है, देन i2 इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 1 टू 2, यहां से 2 कॉमन कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 के डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx माइनस, यहां से बेटा 5 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 से 2, 1 के अपॉन में आ जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx, इस तरीके से आपका ये आएगा। अब आपको यहां पर ये ऑलरेडी i का कॉन्सेप्ट है, इसको एड करेंगे तो ये आपका डेरिवेटिव dx dt हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन t की कॉन्सेप्ट बनेगी। अगर आप इसको लेट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को t लेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये dx dt कन्वर्ट हो जाएगा तो 1 अपॉन t बनेगा, 1 अपॉन t आपका हो जाए log t, यानी t की वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये आएगा इसका इंटीग्रेशन, इधर से 2 चल रहा है और इधर 5, ओके। इसमें बेटा आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी 1 से 2 माइनस 5, इधर आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx ब्रैकेट क्लोज, मुझे इसको यहां से सॉल्व करना होगा, इधर साइड से रफ करना होगा, i2 की वैल्यू हमारी वहां पे आ चुकी है, ओके यहां से रफ कर देते हैं इसको, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन तो है लेकिन इतना टफ नहीं है, इजीली कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्वाड्रेटिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, मैंने आपको बताया कंप्लीट होल स्क्वायर मेथड से किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस करेंगे उसके बाद प्लस 3, तो ये फर्स्ट आपका बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 दिस इज माइनस 1, यानी कि आपका ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये आपका इसको मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कर दिया है, ये 5 टू 10 10 log, इसमें बेटा लिमिट अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आप इसमें x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 टू 4 प्लस 4 टू 8 8 प्लस 4 दिस इज 12 प्लस 3 15 log 15 माइनस जो आएगा log m माइनस log n तो वो log m अपॉन n में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 1 रखिए हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 3 दिस इज 4 3 7 प्लस 8 18, तो इसका आंसर आएगा बेटा 5 टू 10 log 15 बाई 8 माइनस 5 इंटीग्रेशन 1 टू 2, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखिए अब इसको क्या करना है, ये आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, अब आपको इसमें अप्लाई करना है फॉर्मूला log 15 by 8 minus 5 बेटा 1 upon x square minus a square, 1 upon x square minus a square का फॉर्मूला होता है 1 upon 2a log x minus a अपॉन एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो यही आएगी 1 अपॉन 2 log 1 अपॉन 2a log x माइनस ए, यानी x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस ए x प्लस 2 प्लस 1, इसमें आपकी लिमिट अप्लाई होगी 1 और 2,
तो यह आएगा आपका 10 log 15 by 8 minus 5, 5 by 2 हो जाएगा बेटा, ये 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसमें आप लिमिट अप्लाई करते हो तो x के प्लेस में आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2 plus 2 4 minus 1 करेंगे, तो 2 plus 2 4 minus 1 3, 3 upon इसमें 2 रखेंगे, 2 plus 2 4 plus 1 3 upon 5 upon में ये जो minus 1 रखना है log m minus log n अप्लाई करेंगे, तो log m upon n में आएगी कॉन्सेप्ट, इसमें 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 अपॉन में दिस इज 1 4, इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 12 अपॉन 5 2 10 यानी कि 6 अपॉन 5 का कॉन्सेप्ट बनेगा इसको सॉल्व करके, ये आपका आ जाएगा लॉग 6 अपॉन 5, तो ये वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपके आई टू की, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई टू, ये आई टू की वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, पुट कर देना है आई वन एंड आई टू इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको मैंने रफ नहीं किया हुआ है, देखिए सबसे पहला इंटीग्रेशन I1 का आपका निकल के आया था 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस के बाद में आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ I2 है, I2 की वैल्यू आपकी कंप्लीट ही है, इसको पुट करेंगे तो 10 log 15 by 8, ये वाला माइनस इस माइनस से बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 5 upon 2 log 6 upon 5, ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चेक करिए इस क्वेश्चन का आंसर, ये है क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन 16 ऑफ एक्सरसाइज 7.9, दिस इज 5 माइनस 5 अपॉन 2 9